हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वायरलेस पावर ट्रांसफर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको इस्तेमाल करके हम बिना तारों से ही पावर को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। आज के दिनों में बहुत से स्मार्टफोन ऐसे भी आ चुके हैं जिनको हम बिना वायर से ही चार्ज कर सकते हैं, तो एक मैजिक की तरह काम करता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इसी पावर ट्रांसफर सिस्टम को बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं, ताकि आप भी बहुत आसानी से इसे घर पे खुद ही बना सकें। तो इस वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉपर वायर। तो हमें चाहिए ऐसा इंसुलेटेड कॉपर वायर, नॉर्मल वायर से काम नहीं चलेगा, इंसुलेटेड वायर ही चाहिए। दूसरा चीज़ जो चाहिए हमें वो है रजिस्टर, ये 1K ओम का रजिस्टर यानी 1000 ओम, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा चीज़ जो हमें चाहिए वो है ट्रांजिस्टर, इसका नंबर है 2N2222A, इस नंबर को स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चौथा जो चीज़ है वो है LED, जिसको हम एज ए लोड इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको हम वायरलेस तरीके से जलाने वाले हैं। और लास्ट हमें चाहिए एक बैटरी, यह है 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो सबसे पहले हमें कोई भी गोल चीज़ ले लेना है, ठीक है। उसके बाद इस कॉपर वायर को इसके ऊपर हम 30 टर्न बनाएंगे, ठीक है, 30 टर्न लेंगे और इस पर कॉयल बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए 1, 27, 28, 29 और 30। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस वायर को जो छोड़ा हुआ है उसको हम यहाँ पर लपेट लेते हैं, ताकि ये फिक्स रहे एक जगह पे। चलिए ये तो बन गया हमारा एक कॉयल, अब चलिए बनाते हैं दूसरा कॉयल। इसको बनाने के लिए इस कॉयल से थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम 30 टर्न्स नहीं देंगे, 15 टर्न्स देने के बाद एक लूप छोड़ेंगे, उसके बाद अगला 50 टर्न्स लेंगे, ठीक है। तो पहले 50 टर्न्स ले लेते हैं, 1, 14 और ये हो गया 15। तो 15 होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक लूप छोड़ देंगे, कितना सा, ठीक है। के बाद फिर 15 करते हैं, 1, 14 और ये हो गया आखिर में 15 कंप्लीट हम लोगों का कॉयल। तो यहां से वायर को हम लोग काट लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये बन गया हमारा दूसरा कॉयल, इसको भी हम लोग यहाँ पर लपेट लेते हैं, ताकि ये यहाँ पर फिक्स रहे। इसको भी इधर से लपेट लेते हैं। चलिए ये भी बन गया हमारा कॉयल, ये रहा लूप। लूप को क्या करना है, हमारा इस कॉयल में 2 टर्मिनल थे, इसमें भी 2 हैं, और इस लूप को हम लोग काट के इसको भी 1 टर्मिनल बना देंगे, ठीक है। इसके जो दोनों टर्मिनल के जो इंसुलेशन है ना, इसको हम हटा देते हैं पहले।
अब हम इसमें इस LED को सेट करेंगे। फाइनली हम लोगों ने इस कॉइल में इस LED को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बारी है इस कॉइल का, तो चलिए इस कॉइल के जो तीन टर्मिनल हैं, एक वाला ये एक और ये जो हमने लूप छोड़ा था इस टर्मिनल को, तीनों टर्मिनल के जो इंसुलेशन है इसको हटा देते हैं। अब हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के तीनों पहियों को हम लोग ऐसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके तीन पहियों में से इस पहिये में हम लोगों को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग ब्लू वायर को यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर पाए। तो हम लोग ब्लू वायर में इसको लिपटा लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, जहाँ से पावर आने वाला है। इसका बीच वाला जो पहिया है उसमें हम लोगों को इस रजिस्टर को कनेक्ट करना है, तो रजिस्टर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉइल है, कॉइल के एक टर्मिनल को हम लोगों को देना है इस आखिरी जो सिरा है इस ट्रांजिस्टर के, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग तो फिलहाल अभी लपेट लेते हैं, बाद में इसको हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। इस कॉइल का जो और एक सिरा है इसको हम लोग इस रजिस्टर के नीचे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए और एक बार इसको सही से ध्यान से समझ लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर, जिसके पहले सिरे को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल बनाकर छोड़ दिया है, जिससे हम लोग इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने वाले हैं। बीच वाला जो सिरा है इसके साथ हम लोगों ने जो रजिस्टर था उसको कनेक्ट किया है और इस कॉइल के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ट्रांजिस्टर के आखिरी सिरे में जो इस कॉइल का आखिरी सिरा है इसको लगा दिया है। अब बच गया हम लोगों का ये लूप। इस लूप को क्या करना है, ये लूप चला जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इस वाला सिरे को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कर देंगे। अगर इस कनेक्शन का आप लोग कोई भी डायग्राम चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम में इसका पूरा डायग्राम अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इसको आप सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए फाइनली हमारा कनेक्शन कम्प्लीट हो गया है। अब हम लोग इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा लूप था, और इस नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है इस कनेक्शन से। अब हमारा ये रहा हमारा लोड, ये तो हो गया सोर्स, ये हो गया हमारा लोड। अब देखते हैं वायरलेस तरीके से पावर ट्रांसफ़र होता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा लाइट को हम लोग कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख पाए। तो देखिए बढ़िया तरीके से ग्लो हो रहा है। देखिए पेपर के ऊपर भी देखिए कैसे ग्लो हो रहा है। देखिए हम लोगों ने एक पेपर को रख दिया इसके ऊपर, फिर भी देखिए कितना सही तरीके से ग्लो हो रहा है। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ग्लो हो रहा है। देखिए एक अलग LED को हम लोगों ने कनेक्ट किया है जो रेड है, देखिए कैसे ग्लो हो रहा है। वाह देखिए कितना बढ़िया तरीके से ग्लो हो रहा है। देखिए देखिए कुछ भी कनेक्शन नहीं है। देखिए